जी मैं अभी मोतीचूर का लड्डू खा रहा हूँ, जो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। और व्लॉगिंग का ये फ़ायदा हो गया, आपको फ्री में मोतीचूर लड्डू खाने को मिल गए। टेस्ट है, मुझे खाने थे, मैं इंजॉय करने थे इसको, बड़े अरसा के बाद मैं खा रहा हूँ मोतीचूर का लड्डू। ले जी मेरा फ्रेंड साई कुमार, जो मैंने आपको बोला था स्वीट शॉप है यहाँ पे, वो अंदर गया और उन्होंने टेस्ट के लिए लड्डू दिए। वेलकम बैक टू माई चैनल शेबाचिमा व्लॉग्स, एंड आज मैं हूँ पिगोश सिटी में। ये पिगोश इस्तुबुल के अंदर आता है और ये लिस्बन से 45 किलोमीटर जो है दूर है, लेकिन ये लिस्बन में ही कंसिडर होता है। लिस्बन का जो मेट्रो का कार्ड है वो भी यहाँ पे वर्किंग करता है, पिगोश में भी। तो जी पिगोश में बहुत ज़्यादा इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, देसी, बंगाली, बहुत देसी लोग रहते हैं यहाँ पे, और ये एग्रीकल्चर के मामले में बहुत अच्छा सिटी है। यहाँ पे एग्रीकल्चर का काम बहुत ज़्यादा, मोस्टली फ्लावर्स का काम यहाँ पे चलता है। मैं आपको एक स्क्वेयर सा दिखा दूँ, ये पीछे एक राउंड बाउंड है और एक दुकान है देसी की, वो इस तरफ है। वो मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं, आप देख रहे हैं देविंदर एंड साई कुमार, और एक दुकान जो है देसी की वो इस तरफ है, वो नेपाली है, वो भी ये बंगाली है, वो नेपाली है, और एक इंडियन की शॉप है इस तरफ, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ वो भी। तो यहाँ पे तकरीबन आपको देसी चीज़ें सारी मिलेंगी पुर्तगाल में, यानी कि इंडियन पाकिस्तानी जो है ना, वो सारा सामान आपको यहाँ पे अवेलेबल होता है। कुछ कैफ़ेज़ भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पे, और एक बड़ी सुपर मार्केट भी है यहाँ पे। बस आ रही है, मतलब रोड चेंज कर लूँ। तो जी ये पिगोश सिटी है, बहुत अच्छी सिटी है, जो बिगनर्स हैं, जो लोग फैमिली, जो लोग एग्रीकल्चर का काम करना चाहते हैं, यानी कि इंडियन पाकिस्तानी या नेपाली लोग जो एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए सिटी बहुत अच्छी है, और वो लोग यहाँ पे अपनी फैमिली को सेटल कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड नहीं, यहाँ पे रेंट्स भी इतने हाई नहीं है, बट घर मुश्किल से मिलता, थोड़ा ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर तो बहुत कम मिलते हैं घर यहाँ पे, और जो वेबसाइट्स पे हैं वो बहुत महंगे हैं, तो इसलिए आपको कुछ जुगाड़ मारना पड़ेगा घर ढूंढने के लिए, किसी को कहना पड़ेगा, बट सस्ते मिल जाते हैं। क्योंकि आप घूम के अगर घर लेंगे यहाँ पे तो आपको सस्ता मिलेगा, अगर वेबसाइट से के ऊपर से घर लेंगे तो ऑफकोर्स वेबसाइट्स के ऊपर महंगा घर होता है। यहाँ पर कुछ मॉडर्न बिल्डिंग्स भी हैं, जैसे आप पीछे देख सकते हैं, ये मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं, इनके थोड़े रेंट्स हाई हैं, और जैसे पीछे मैं आपको बता दिखा रहा हूँ इस तरह के जो घर है, ये थोड़े प्राइस, इनका जो रेंट प्राइस होता है वो थोड़ा कम होता है, और इसमें ज़्यादा नहीं होते इनके रेंट, तो इजीली आप बंदा अफोर्ड कर लेता है। मोस्टली यहाँ पे क्या होता है कि दो फैमिलीज जो होती हैं जिनको प्रॉब्लम नहीं होती शेयरिंग में, वो शेयरिंग में भी घर शेयर करके रह सकते हैं। जैसे एक घर का अगर वो टू बेडरूम का अपार्टमेंट लेते हैं तो उसका 500 रेंट होगा, और 250 ईच जो है ना वो डिवाइड कर लेते हैं उसको। और यहाँ इस राउंड स्क्वायर में सिर्फ एक ही पिगोश में बैंक है, वो है एग्रीकोला, इनका एग्रीकल्चर बैंक है यहाँ पे, सिर्फ यही एक एटीएम है और एक ही बैंक है यहाँ पे जो अवेलेबल है यहाँ पे नियर बाय। क्या छोटा सा सिटी है ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और आपको और क्या दिखाऊँ मैं यहाँ पे, आपको रेस्टोरेंट्स दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। जी ये रही एक देसी शॉप, मैंने जैसे बताया था आपको देसी शॉप है ये, और इसके साथ आपको साथ ही दिखाते हैं यहाँ पे फार्मेसी भी है, आपको फार्मेसी भी दिखा दें, जो लोग यहाँ मूव करना चाह रहे हैं उनके लिए वीडियो बड़ी फ़ायदेमंद होगी ये। अब ये मुझे नहीं पता ये क्या है, ये रेस्टोरेंट है कि क्या है, आपको दिखा दूँ पीछे घूम के, वो रही फार्मेसी, ठीक है, फार्मेसी पीछे रेस्टोरेंट्स हैं, और अगर उस तरफ को जाएंगे वहाँ पे एक पेट्रोल पंप भी आता है, दो पेट्रोल पंप आते हैं इसी रोड के ऊपर, आई थिंक 200 या 300 मीटर अवे है यहाँ से, और पेट्रोल पंप भी है यहाँ पे, कैफ़े यहाँ पे, एक सुपरमार्केट भी है वो आगे है। तो आप जब यहाँ पे आएंगे तो आप इजीली इस एरिया को फाइंड आउट, छोटा सा एरिया, ज़्यादा बड़ा नहीं है, फाइंड आउट कर सकते हैं इसको इजीली। और जी यहाँ पे एक स्वीट शॉप भी है, आपको दिखा दें यहाँ पे, ये रही एक स्वीट शॉप, ये राउंड बोर्ड के बिल्कुल नियर बाई सारे, ये स्वीट शॉप भी आ गई, और ये एक और रेस्टोरेंट एंड कैफ़े। उसके बाद आपको क्या दिखाएं हम, ये रेस्टोरेंट रहा, आगे एक और रेस्टोरेंट भी है, रेस्टोरेंट्स काफ़ी ज़्यादा, कैफ़े यहाँ पे, क्योंकि लोग यहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी बहुत यूज़ करते हैं, कॉफ़ी को पोर्चुगीज़ में कैफ़े कहते हैं, हम कैफ़े दूसरा भी कहते हैं लेकिन कॉफ़ी को भी कैफ़े बोलते हैं ये लोग, तो ये लोग कैफ़े बहुत पीते हैं।
ले जी, मेरा फ्रेंड साई कुमार जो मैंने आपको बोला था स्वीट शॉप है यहाँ पे, वो अंदर गया और उन्होंने टेस्ट के लिए लड्डू दिए मोतीचूर का लड्डू है। और साई टेस्ट कर रहा है, पुर्तगाल में भी ऐसा होता है आपको टेस्ट के लिए वो देते हैं। और दविंदर स्टिल अंदर है और वो अंदर पता नहीं कितने लड्डू खा के आएगा फ्री में। फ्री वाले लड्डू थे ये तो। ये जी आपको हम अंदर लेके चलते हैं शॉप के, और ये रही शॉप और ये भाईजान है जिनकी शॉप है, ठीक है। और ये भी पिगोश के जो राउंड बोर्ड है उसके पास ही है, और आपको यहाँ पे सारा देसी सामान जो भी स्पाइसेस है, मसाले हैं, जो भी कुछ भी है, और स्वीट्स का भी काम था आपने, और वही स्वीट वाली शॉप बता रहा था, और स्वीट्स का भी इन्होंने काम स्टार्ट किया है जी। मिनी मरकादो जी, पुर्तगीज में मिनी मरकादो बोलते हैं जैसे हम सुपर मार्केट से कहते हैं। तो यहाँ से भी आप अगर कोई मिठाई खाने का दिल करे देसी तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। सो जी अभी साई कुमार आएगा, साई कुमार से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है उससे पूछेंगे इस बारे में, ठीक है, और फिर आपको इन्फॉर्मेशन देंगे यहाँ की इस सिटी के बारे में, क्योंकि वो पुराना यहाँ का रहने वाला मैं नहीं हूँ, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन अभी इस बारे में है नहीं है कि सिटी में और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। जी मैं अभी मोतीचूर का लड्डू खा रहा हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। और जब आप पिगोश में आएँ, अगर आपका आने का इतफाक़ हो यहाँ पिगोश में आने का, तो आप इस शॉप पे विज़िट करके ये मोतीचूर का लड्डू ले सकते हैं ज़रूर, बहुत ज़बरदस्त है। और मैं वैसे डाइट पे होता हूँ, बट वो भाई साहब ने कहा जी आपने टेस्ट ज़रूर करना है उसको, तो वो व्लॉगिंग का ये फ़ायदा हो गया, आपको फ्री में मोतीचूर लड्डू खाने को मिल गए। टेस्ट है, मुझे खाने थे, इन्जॉय करने थे इसको, बड़े अरसा के बाद मैं खा रहा हूँ मोतीचूर का लड्डू। ले जी हम तीनों ने, साई ने, दविंदर ने और मैंने फ्री के मोतीचूर लड्डू तो खा लिए हमने, ठीक है। लड्डू सामान भी खरीदा और लड्डू बड़े मजे के टेस्टी थे, और साई ने तो अपना जुगाड़ भी ले लिया, बियर भी ले लिया अपने पीने के लिए, और बाकी लड्डू बहुत मजे के थे। ट्राई कीजिएगा आप यहाँ पे, अगर आने का कोई इतफाक हुआ आने का यहाँ पे, अगर चक्कर लगाएं तो ट्राई लास्ट में कीजिएगा, देसी स्टाइल में देसी टेस्ट है इनका। ले जी ये था छोटा सा रिव्यू अबाउट पिगोश सिटी। मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया, ये लिस्बन से 45 किलोमीटर फार है और ये लिस्बन के अंदर ही आता है, ठीक है। स्टूबल इसका जो है डिस्ट्रिक्ट है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया है, तो होप आप सबको इससे हेल्प मिलेगी। इसी तरह मैं जिस सिटी में भी जाऊँगा उसका रिव्यू देता रहूँगा आप लोगों को, ताकि पुर्तगाल में जो सेटल होने वाले लोग हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके इनकी कौन सी सिटी किस हिसाब से अच्छी है, ठीक है। तो जी चैनल भाई का लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में सारे मेरे मौजूद हैं, उनको भी फॉलो कीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।